के बाद कोई गाड़ी ज्यादा जल्दी मेरे को सारे फांसी में डाल दूंगा मैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौरी शंकर बिसेन को गाली का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। असली माजरा क्या है जानने से पहले ये पूरा वीडियो देखिए। आप हमारा दुख समझिए। बातें करते हो ये मेरा एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं चलता। कब उतारे विरोध चालीस कार चलती है किसी गाड़ी चलती है आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली। दरअसल बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को सार्वजनिक रूप से गालियां दी हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री से जुड़ा यह मामला जिले के लालबर्रा थाने में हुई एक बैठक का है। यहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद गुरुवार को थाने में बैठक हुई थी, जिसमें गौरी शंकर बिसेन, लालबर्रा तहसीलदार, थाना प्रभारी, आरटीओ अनिमेश गढ़पाले, स्थानीय बीजेपी नेता और मृतका के परिजन समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि यहां गाड़ियां 100 के स्पीड में चलती हैं, पुलिस वाले चालान नहीं बनाते, वो 50-100 रुपए ले लेते हैं। इस पर गौरी शंकर बिसेन ने पहले बीजेपी कार्यकर्ता को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ा रहा तो पूर्व मंत्री आपा खो बैठे। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों और ग्रामीणों पर नाराजगी जताई। इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनका स्वभाव रहा है और उनकी सोच को दर्शाता है। बता दें कि गौरी शंकर बिसेन अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जानकारी के अनुसार 10 जनवरी की शाम बालाघाट सिवनी राजमार्ग 72 पर एक हादसा हुआ था, जिसमें बस की टक्कर से महिला की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया था। लोग आरटीओ सहित अन्य अधिकारियों को हटाने की मांग पर अड़े थे।